कैसे हैं अबू? तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम बताओ, तुम कब आओगी मेरे पास? बहुत जल्द आऊंगी, सोचा आपको कॉल करके आपका हालचाल पूछ लूं। बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारी माँ के नाम से एक वेलफेयर ट्रस्ट कायम करने का इरादा किया है मैंने, नियत की है। ये तो बहुत अच्छी बात है अबू। समीला की जिंदगी में उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मेरी कोशिश है कि अब कुछ कर सकूं उसके लिए। कोई काम होगा तो आप मुझे बताइएगा, मुझे इस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके बहुत खुशी होगी। अरे अभी तो काम शुरू हुआ बेटा, काफी तनी प्रोजेक्ट है, और इस वेलफेयर ट्रस्ट के लिए तुम्हें काम करना होगा, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, मेरा बाजू बन के काम करना। ठीक है अबू। जेबू बेटा। जी खाला। रजिया की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ख्याल उसको दिल का कोई मसला है, तो हम उसे देखने जा रहे हैं। हाँ बेटा, हमें देर हो जाएगी थोड़ी, तुम खाना बना लेना। जी खाला, मैं बना दूंगी। चलो, आरएस वेट कर रहा है गाड़ी में। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फवाद की तबीयत ठीक नहीं, रेस्ट कर लेगा, आरएस के साथ ही जाते हैं। आरएस, आरएस बेटा जल्दी चलो। अम्मी, मैं तो कब से आप लोगों का गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, चलें। हाँ बेटा चलो। फवाद भी तो जाने का कह रहा था। नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं, तुम निकलो, वो रस्ते में से फ्रूट्स लेने हैं रजिया के लिए ना। चल। आपको भी जाना था। सेबू, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं चाहती हूं कि हम दोनों ये लड़ाई खत्म कर दें और एक दूसरे के साथ सुलह कर लें। तुम्हें अचानक ये ख्याल क्यों आ गया? बस इस घर के हालात देखकर मुझे यही बेहतर लगा। अभी इस टाइम घर पे कोई भी नहीं था, तो मैंने सोचा कि तुमसे बात कर लूं। क्या तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओगी? क्या तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो गए? हाँ, मैं आरएस के साथ बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक बात थी कि तुम और आरएस एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। तुम उसे चाहती थी और वो तुम्हें चाहता था। वो बहुत पहले की बात थी सबा, उस वक्त मेरी और फवाद की शादी नहीं हुई थी। मेरे और आरएस के दरमियान जो भी कुछ था ना, वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। अब मैं सिर्फ फवाद की बीवी हूँ। मैं तो ये सब बात जानती हूँ जेबू, लेकिन आरएस को ऐसा लगता है कि तुमने उसे धोखा दिया था। जब वो अमेरिका गया था, तुमने उसे बगैर बताए फवाद से शादी कर ली। उसको उस वक्त बहुत शौक लगा था, लेकिन मैंने तुम्हें कितना समझाया था जेबू कि आरएस को मत छोड़ो, ऐसा मत करो। तुमने मेरी एक न सुनी। अब इन पुरानी बातों में कोई फायदा नहीं है सबा। तुम्हारी शादी आरएस से होनी थी और मेरी फवाद से। किस्मत को यही मंजूर था। अब हमें माजी को भुलाकर मुस्तकबिल को देखना होगा। इस घर के सुकून के लिए जरूरी है कि हम माजी की तलखियों को भूल जाएं। मैं भी तो यही चाहती हूँ जेबू कि हम सब एक साथ इस घर में आराम और सुकून से रहें। मैं आरएस को समझाने की कोशिश करूंगी कि वो माजी को भूल जाए और तुम्हें माफ कर दे। तुम उसे जरूर समझाना, वो शायद तुम्हारी बात समझ जाए, और बल्कि वो जरूर तुम्हारी बात समझ जाएगा। हम कल भी दोस्त थे और आज भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तुम्हें पता है,
तुम्हारी दोस्ती खोकर ना मुझे बहुत पछतावा हुआ था। मैं सब बातें भुला चुकी हूँ सबा, तुम भी भूल जा। हाँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती जेबू, जब तुम और आरिस एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, तुमने फवाद से शादी क्यों की? आज तो मुझे इस बात का जवाब दे दो जेबू। सबा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा रिश्ता खाला ने तय किया था। कुछ मसलियतें और मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो तुम इनकार कर सकती थी जेबू, अपनी खाला से बात करती। खाला को पता थी सारी बात। बहुत वक्त गुजर चुका है, हमें शायद ये बातें नहीं करनी चाहिए। रिश्ते बदल चुके हैं और रिश्ते बदल जाने के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं। मुझे माफ कर दो जेबू, मैंने तुम्हें समझने में बहुत गलती कर दी। फवाद, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा ज़ुल्म। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बताओ, और तुम साफ इनकार करती थी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोचे, मैं और सबा तो बस पुरानी बातें कर रहे थे और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है सेवा, और क्या सुनना बाकी रह गया? तुम्हारा रेस, तुम अगर आरेश से प्यार करती थी तुमने मुझसे शादी क्यों की? नहीं फुआद, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये सब तो पुरानी बातें नहीं, सब माजी में था। तुम्हारा एतराफ ही तुम्हारे धोखे का सबूत है। प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करें। कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी धोखेबाज लड़की निकलो। तुम्हें तलाक देता हूं। तलाक देता हूं तुम्हें, सिर्फ तलाक देता हूं। मोहब्बत के बदले में नफरत मिले तो नफरत के मारे कहाँ जाएंगे? इन गैरों की बस्ती में मेरे खुदा अपने प्यारों के मारे। जब तुम और आरिस एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे, तुमने फवाद से शादी क्यों की? सबा, मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारा रिश्ता खाला ने तय किया था। कुछ मसलियतें और मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो तुम इनकार कर सकती थी जेबू, अपनी खाला से बात करती। खाला को पता थी सारी बातें। बड़ा धोखा, इतना बड़ा फरेब। मैंने तुमसे कितनी बार पूछा कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो तो तुम मुझे बताओ, और तुम साफ इनकार करती थी। तुम अगर आरिस से प्यार करती थी, तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी धोखेबाज लड़की निकलोगी। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ तुम्हें से, तलाक देता हूँ। भले तेरी नफरत भले।
सबा, जेबू कहाँ है बेटा? वो फवाद और जेबू की तो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है। फवाद तो बाहर गया है और जेबू अपने कमरे में है। ऐसी क्या बात हो गई आखिर? किस बात पर लड़ाई हुई? वो फवाद ने मेरी और जेबू की बातें सुन ली थी। उसे ना पता चल गया था कि सेबू आरे से मोहब्बत करती थी। सबा, अब एक ना एक दिन तो इस बात का पता चलना ही था ना कि सेबू आरे से कितनी मोहब्बत करती थी और उसने आरेस के साथ बेवफाई की। अब सच को भला कौन ही छुटला सकता है? ये कैसे हो सकता है? झूठ है ये, ये सच नहीं हो सकता। ये सच है खाला, जेबू ने खुद इस बात का इतराफ किया है। नहीं, ये सच नहीं है। फवाद ने मेरे सामने जेबू को 3 दफा तलाक दे दी। क्या? अब क्या होगा? अब तो तलाक हो गई, जेबू की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देमीना, 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 काला क्या हो गया आपको? देमीना, पानी डालने के लिए, पानी क्या? देमीना, काला, जेबू, काला, पुश किया, देमीना, काला, जेबू, काला के खोले, काला आपको क्या हो? जेबू, काला, जेबू, समझ जल्दी लेके आओ पानी। क्या हो गया आपको? क्यों नहीं खोल रही है? मेरी माँ को क्या हुआ है? क्या हुआ माँ को? रवीना को कुछ हो गया है। आलू कुछ कर ही नहीं है। नहीं खोल रही तो जाओ कुछ करो ना, जाओ जाओ। मेरी हालत ये है, मैं उनको जगाऊंगी। उठे चली गई जेबू, मेरी माँ जाई चली गई, देमीना चली गई, सबर करो जेबू, तेरी माँ चली गई, एक बार फिर चली गई। सबा, ये तुमने क्या किया? ये सब कैसे हो गया? मैंने कुछ भी नहीं किया आरेस, वो मैं और जेबू तो बस बातें कर रहे थे। फवाद ने हमारी बातें सुन ली, उसने जेबू को तलाक दे दी और वो घर से बाहर चला गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। तुम अंदर जाओ, मैं फवाद को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। जेबू का क्या होगा? वो कहाँ जाएगी? ये सब बातें बात की है, पहले फवाद को तो घर वापस आने दो। फवाद ने मेरे सामने जेबू को तलाक दी है, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। तलाक तो हो गई है ना? सबा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। अंदर जाओ। चली गई, आप सबको इतला कर दे, मुझ में तो हिम्मत नहीं है। कैसे हो गई ये सब कुछ? बात ने सेबो को तलाक दे दी, होश में तो है ये? सेबो का क्या होगा, कहाँ जाएगी सेबो? मुझे बताए,
ये क्या किया है फवाद ने? क्यों किया है? आने दो से घर में पूछूंगा उससे क्यों तलाक दी उसने। अगर कोई बात थी तो हमसे करता, ये कौन सा तरीका है कि वो जेबो को तलाक देकर खुद चला गया। और तमीना बहन ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी। तमीना चली गई, जेबो भी चली जाएगी, इस घर को किसकी नजर लग गई। तमीना बहन बहुत अच्छी खातून थी, यहाँ सुख की खातिर आती थी और यहाँ भी उन्हें सुख ना मिल सका। फवाद ने क्यों किया ऐसा, बताए ना मुझे क्यों किया उसने ऐसा? उसने इतना नहीं सोचा उसके इस कदम का क्या नतीजा निकलेगा? क्यों किया फवाद ने ऐसा? क्यों तुम तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। आप हैं तो मेरा ख्याल रखने के लिए। रिजान मैं तो हमेशा हूं, मगर कुछ कोशिश तो तुम्हें खुद भी करनी चाहिए ना। शादी से 2-3 दिन पहले हम अपने घर चले जाएंगे, वहीं पे तुम्हारी बारात आएगी और वहीं से मैं अपनी बेटी को रुखसत करूंगी। हमेशा खुश रहो बेटी जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। बेटा जेबू, हेलो। हेलो, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? आलमी चली गई। कहाँ चली गई? इस दुनिया से चली गई। अल्लाह ही राजू। अच्छा जेबू बात सुनो बेटा, बेटा हौसला रखो। अबू मैं आपके पास आना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, मैं शगुफ्ता को भेज रहा हूँ। हाँ ड्राइवर भी साथ में होगा, वो तुम्हें लेके मेरे पास आ जाएंगे। अबू मैं हमेशा के लिए आपके पास आना चाहती हूँ। हमेशा के लिए? क्या मतलब? फवाद ने मुझे तलाक दे दी। क्या तलाक दे दी? मगर क्यों हूँ, ऐसा क्यों किया उसने? खाना मैं भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी, मुझको हार्ट अटैक हो गया। चल जेबू वो नहीं तुम। अरे बेटा हौसला करो, मैं भेज रहा हूँ शगुफ्ता को फौरन तुम्हें लेने के लिए, ड्राइवर आ रहा है साथ में। ठीक है। तो बाद में फवाद ने जेबू की तलाक दे दी है और ये सुनते ही तबीरा का इंतकाल हो गया। तुम एक काम करो, ड्राइवर को लो और जाके इस फौरन जेबू को लेकर आओ। कुछ कैसे हो गया उसने, फवाद ने क्यों किया ऐसा? ये बातें बाद में कर लेंगे, अभी तुम जाओ जाके लेके आओ जेबू को। हाँ ठीक है ठीक है। तहमीना बहन का सुनकर बहुत दुख हुआ।
मैं जेबू को लेने आई हूँ। अभी अभी तो आपके बेटे ने उसे तलाक दे दी है, अब किस हक से उस घर में रहेगी? आंटी ठीक ही तो कह रही है अम्मी, जेबू को अब अपने अब्बू के घर चले जाना चाहिए, वैसे भी तो वो इद्दत में है। फवाद ने क्यों किया ऐसा? वो तो जेबू से बहुत मोहब्बत करता था, लोग तो मोहब्बत में क्या कुछ कर देते, और उसने तलाक दे दी। फवाद कहीं चला गया, लौट कर नहीं आया, आएगा तो जरूर पूछूंगी कि उसने ऐसा क्यों किया। आप जेबू को बुला लो, मैं उसे लेने आई हूँ, उसके अब्बू भी बहुत परेशान हैं। मैं जेबू को लेकर आती हूँ। नहीं तुम रुको, मैं खुद लेकर आती हूँ उसे। के साथ जाना चाहती हूँ, कुछ दिन बाद चली जाना, थोड़े दिन रुक जाओ। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहती। बाद ने ऐसा क्यों किया? ऐसी क्या बात हो गई थी? तुम्हें बहुत चाहता था। पांच औकात मर्द उसी औरत को दुख देता है जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता है। ये कैसी चाह? कैसे उसके लिए? अगर आरेश के बारे में उसे कुछ पता चल ही गया था तो थोड़ा सब्र कर लेता ना, हम वापस आ जाते, हमसे बात तो करता। इतनी पुरानी बात थी, कब की खत्म हो गई थी। मैं अब फवाद के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। खाला भी मर गई है, छोड़कर चली गई है वो हमें। मैं भी यहाँ एक मिनट भी नहीं रहना चाहती। सेहू, सेबू कुछ दिनों बाद चली जाती, आज जाना जरूरी है क्या? मुझे इस घर से नफरत महसूस हो रही, जहां मैंने तलाक के लफ्ज सुने, जहां मेरी खाला अम्मी ने दम तोड़ा। काश हम यहां ना आए होते, हम अपने घर में कितने खुश थे। और फिर हम यहाँ आ गए और मेरी शादी हो गई, और अब मैं तलाक लेकर जा रही हूँ। फवाद में जाने कहाँ चला गया? अब तक लौट कर नहीं आया। उसके आने या ना आने से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे लिए ना महरम है। उसे किस वे किसी से मशवरा करेंगे ना? 100 तरीके होते हैं बेटा। तलाक के लफ्ज 3 बार मैंने अपने कानों से सुने थे, अब कोई मौलवी या मुफ्ती कुछ भी कहे, मेरा दिल अब फवाद को शौहर तस्लीम नहीं कर सकता। क्या घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मर्द गुस्से में कुछ कह जाए? घर में लड़ाई झगड़े होते लेकिन
तलाक का लफ्ज कभी नहीं इस्तेमाल किया जाता। बेटा कोई तो हल होगा ना। मेरा दिल अब फवाद को शौहर तस्लीम नहीं करेगा खाला। अम्मी से जाने दे। जेबू ठीक कह रही है। मैं फवाद को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं भी नहीं। ख्याल में जेबू को आराम करना चाहिए। गहरे सदमे में इसे कुछ खाने को दो। शरारत हो गई। ठेगी तो बेहतर हो जाएगी। बेटा मेरी जान, मेरा बच्चा, खाना मैं मुझे छोड़ चलेगी। औरत थी, बहुत नेक हुई थी, भली मानस थी, लेकिन थी तो अल्लाह की अमानत। सोचते मेरे अब हमारे बस में सिर्फ यही है कि उनकी मफरत के लिए दुआ कर सकते हैं बस। ये सब फवाद की वजह से हो, ना वो ये कदम उठा था और ना ही उनको इतना सब मिला। उससे मेरी बेटी के साथ ही सब कुछ। फवाद ने ऐसा क्यों किया? अभी वजूहात जानने का क्या फायदा? जेबी ने उसके लिए क्या नहीं किया, लेकिन वो एहसान फरामोश बन गया। बेटा तना नहीं समझना क्या, तुम्हारा बाप बीमार जरूर है इस वक्त, लेकिन इतना कमजोर नहीं पड़ा कि अपनी बेटी का ख्याल ना रख सके। फवाद अभी तक घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। हाय मेरी तहमीना खामोशी से चली गई। जेबू को भी वो लोग ले गए, मेरा आस्था बस्ता घर उजड़ गया। हर जगह ढूंढ लिया फवाद को, कहीं नहीं मिला।
अब कहाँ ढूंढूं उसको मैं? खुद ही आ जाएगा वो। जो हरकत उसने की है उसके बाद किस मुंह से घर आएगा वो? कोई पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे, वो खुद ही ढूंढ लेंगे मेरे बच्चे को। ऐसी भी क्या बात हो गई थी, उसने हमारा इंतजार तक नहीं किया और जल्दी से तलाक दे दी और खुद छुप के बैठ गया कहीं। हमने जेबू को हमेशा अपनी बेटी समझा, कभी बहू नहीं समझा उसे। अब जेबू यहां कभी नहीं आएगी। समझ नहीं आती क्या कहूं, मेरा हंसता बसता घर आनन फानन उजड़ गया। दुख भी है, अफसोस भी है, गम भी है, फिक्रमंदी भी है। तमीना, मेरी बहन, कहाँ चली गई तू? तमीना। अम्मी हौसला करें, सबर से काम लें। कहाँ से लाऊं सबर? कैसे करूं हौसला? तमीना, तमीना, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकी, मेरी बहन चली गई। सबा, एक गिलास पानी ले करो बेटा, जल्दी से जाओ। हौसला।